नमस्कार दोस्तों, लाए एक वेबिनार। इस वेबिनार में आपको सिखाएंगे हाउ टू कैच मोमेंटम इन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स। एक वेल डिफाइंड क्लियर स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्लियरली डिफाइंड है। देखिए दोस्तों, कई लोग मोमेंटम को पकड़ नहीं पाते। अगर आपकी एंट्री ठीक नहीं है और प्राइस डायरेक्शन में रिवर्सल हो जाए तो लॉस काफी ज्यादा होता है। तो मोमेंटम पकड़ने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और इसमें एक वेल डिफाइंड दोस्तों क्लियर स्ट्रेटेजी डिफाइंड है दोस्तों। इसको आप मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं दूंगा आपको एक क्लियरली वेल डिफाइंड क्लियर स्ट्रेटेजी। यहां पर एंट्री और एग्जिट क्लियरली दोस्तों डिफाइंड है। और दोस्तों, ये जो मेरी मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, इसको आप सास बहू और साजिश, पति पत्नी और वो से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सास बहू, साजिश, पति पत्नी और वो में तो पेन मिलता है, बट मोमेंटम ट्रेडिंग अगर आप सीख गए, आप कर पाए, तो इसमें आता है पैसा। और दोस्तों, अगर धन में वृद्धि होती है तो उससे होती है जीवन में समृद्धि। तो एकदम वेल डिफाइंड क्लियर स्ट्रेटेजी है। और इसको बताने से पहले दोस्तों, पहले आप समझें कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, सेबी ने क्या करा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज को डिफाइन करा। तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं दोस्तों, जो टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड हैं हमारे यहाँ बाय मार्केट कैप, वो बनती हैं लार्ज कैप। तो 101 से लेकर जो 250 रैंक में आती हैं मार्केट कैप में, वो आती हैं मिड कैप में। और 251 ऑनवर्ड्स कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से लिस्टेड स्पेस में, वो आती हैं स्मॉल कैप में। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज है मार्केट कैप में, वो है लार्ज कैप। 5,000 से 20,000 के बीच की जो मार्केट कैप वाली कंपनी है, वो है मिड कैप। और 5,000 कम से नीचे वाली कंपनीज जो है, वो है स्मॉल कैप कंपनीज। तो दोस्तों, मोमेंटम क्या है? अगर आप इंग्लिश में देखेंगे थ्योरेटिकली, तो मोमेंटम इज द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ द स्टॉक। तो दोस्तों, जहां स्पीड, वेलोसिटी आती है, वहां मुझे फिजिक्स याद आता है, और वहां मतलब कि मेरे एंटीना खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम पढ़ते थे दो ट्रेन आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, एक की इतनी है, इनका डिस्टेंस इतना अपार्ट है, इतनी लेंथ है, तो ये मेरे को बड़ी घबराहट होती है। तो थ्योरेटिकली आप इसको छोड़ें, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है? जो चीज़ तेजी से भागती है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो हमारा का क्या एम है, हमें उस भागती हुई चीज़ को दोस्तों पकड़ना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने क्या करा है, एक वेल डिफाइंड क्लियर स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। और उससे पहले दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि एज अ बायर ऑफ अ स्टॉक, हम लोगों को सिर्फ मोमेंटम पकड़ना है। वी शुड नॉट बी, हम लोगों को बॉदर्ड नहीं होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी से। अगर आप देखें, अदानी ट्रांसमिशन को मैंने पहली बार 180 रुपीज के अराउंड आइडेंटिफाई करा था, उस टाइम पर ये मिड कैप कंपनी थी और आज एक लार्ज कैप कंपनी है। अब एक ब्लू डार्ट एक कंपनी है, अभी 12,600 के अराउंड मार्केट कैप है, और जिस तरीके के बिजनेस में है, इसको लार्ज कैप बनने में काफी समय लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस इसे लार्ज कैप बनने से, मतलब कि बिजनेस की में ग्रोथ उस तरीके से है, तभी तो लार्ज कैप बनेगा, तभी तो मार्केट कैप होगी। और इसको जब मैंने आइडेंटिफाई करा था 2200 के अराउंड, उस समय तो स्मॉल कैप कंपनी थी। तो एज अ बायर ऑफ अ कंपनी ना, हमें बायर ऑफ अ स्टॉक, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड कि ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। तो दोस्तों, एक चीज कहना चाहूंगा आपको, जो मेरा थीम है हाउ टू कैच मोमेंटम इन मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इसको आप कॉम्बो माने। हम यहाँ पर मोमेंटम लार्ज कैप में भी पकड़ेंगे, अगर हमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारी स्ट्रेटेजी में डिफाइन हो रहा है। अब कई लोग बोलेंगे दोस्तों कि भैया, थीम तो हाउ टू कैच मोमेंटम इन मिड कैप, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, जिस तरीके से वॉरेन बुफेट जी बोलते हैं, उनके स्टॉक मार्केट के दो नियम हैं, और उनका पहला नियम है कि नेवर लूज मनी, और दूसरा नियम है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। तो मेरा पहला नियम है मेक योर ओन रूल्स। रूल नंबर टू दोस्तों मेरा ये है कि यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक योर रूल्स एंड मेक न्यू रूल्स। तो दोस्तों, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसा आ रहा है, तो मोमेंटम मैं लार्ज कैप में भी दोस्तों पकड़ूंगा। अब दोस्तों, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर एक दुविधा है। जब बात टेक्निकल की आती है, कुछ स्ट्रेटेजी की आती है, तो लोग परफेक्शन ढूंढते हैं। तो एक चीज समझे, नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। परफेक्शन मत ढूंढे, परफेक्शन ना लाइफ में मिलता है, ना स्टॉक मार्केट में मिलता है। और जब टेक्निकल्स की बात आती है, जब टेक्निकल स्ट्रेटेजी की बात आती है, आप में से कई लोग अभी भी मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश में सोच रहे होंगे कि 100% फुल प्रूफ होगा। तो कोई भी चीज दोस्तों फुल प्रूफ नहीं होती है दोस्तों, कोई भी चीज
फुल प्रूफ नहीं होती है। क्यों? क्या टेक्निकल वालों की दो आंखें, दो हाथ, दो टांग नहीं है, तो उनसे फुल प्रूफ की आशा क्यों है? तो दोस्तों, जो मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है, जनरली ये एक शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए होती है, और अगर आपकी एंट्री के बाद प्राइस में रिवर्सल हो जाए तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, मोमेंटम ट्रेडिंग का जो मेरा एक नियम है कि एंट्री शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और हमेशा उसी रूल से एंट्री लेनी है, और कभी भागती हुई गाड़ी, भागती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना है। क्योंकि दोस्तों, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है और आप उसको तब पकड़ने की कोशिश करें तो रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ वो क्लियरली डिफाइंड है, वहां पे एंट्री भी क्लियरली डिफाइंड है, और अगर प्राइस में रिवर्सल हो जाए तो लॉस भी दोस्तों लिमिटेड है, लॉस भी दोस्तों लिमिटेड है। तो बड़ी क्लियरली वेल डिफाइंड दोस्तों ये स्ट्रेटजी है। और दोस्तों, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है ये मूविंग एवरेजेस पे दोस्तों बेस्ड है, और ये पूरी स्ट्रेटजी अब मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं दोस्तों शुरू करते हैं मूविंग एवरेज से। अब कई लोग बोलेंगे कि मैंने अपने लर्न आरकेबी के कोर्स में बोला है कि मूविंग एवरेज आर यूजलेस, तो दोस्तों एक चीज बोलूंगा, वॉरेन बुफेट जी के दो रूल्स हैं, उनके दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 सेज नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 सेज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। उसी तरीके से मेरे दो रूल्स हैं। पहला रूल है मेरा, मेक योर ओन रूल्स, देन फॉलो दोज रूल्स विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड मेरा रूल नंबर 2 है, यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक दोज रूल्स एंड मेक न्यू रूल्स। तो जो मेरी स्टेटमेंट है वो एक जनरल स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जो 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, जिस तरीके से मीडिया यूज करता है उस वे में है। और अगर कोई चीज अच्छे से बैक टेस्ट करके, चीजों को देख के करा जाता है तो वो चीज खराब नहीं है। अब दोस्तों, मूविंग एवरेज से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। दोस्तों, एवरेज क्या होती है, देखिए एवरेज क्या होती है, हमने दो नंबर लिए, 2 + 3 करा, इसका सम आया 5, इसकी एवरेज क्या है, टोटल सम ऑफ नंबर्स 5 आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, तो दो नंबर्स हैं, ये आ जाएगा 2.5 इज द एवरेज। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम और करते हैं, 2 + 3 + 4 करते हैं, तो ये सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 9, टोटल नंबर्स कितने हैं, 3, तो एवरेज कितनी आ गई, 3। तो दोस्तों, ये होती है एवरेज। अब क्या होता है कि मूविंग एवरेज क्या होती है, देखिए मूविंग एवरेज को समझने के लिए आप एक काम कीजिए, आप सिंपल एक प्राइजेस को समझिए। देखिए हमारे, हम किस चीज की एवरेज निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, हम अपने प्राइस की निकाल रहे हैं, रोज की एक कैंडल बन रही है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज हम कैसे करते हैं, मूविंग एवरेज करते हैं हम प्राइस की, डेली की एक कैंडल, एक बार होता है, तो एक काम करते हैं, हम बार्स ड्रॉ करते हैं डेली के, जैसे ये एक दिन का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, 9, 10, 10 दिन की हमने 10 डेज की कैंडल्स ले ली। अब हम क्या करते हैं, हम एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हैं इनकी क्लोजिंग प्राइस की, क्लोजिंग प्राइस की मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हैं 10 डेज की। तो वो क्या होगा दोस्तों, वो सपोज कीजिए ऐसी एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, हम 10 डेज की एवरेज प्लॉट करी है हमने, हमारे पास 11th बार आया, तो क्या होगा, ये 11th बार, तो तब क्या होगा दोस्तों, ये 11th बार जो है ये ऐड हो जाएगा, और पहले वाला बार जो है वो डिलीट हो जाएगा, फिर एवरेज निकलेगी इन 10 की, फिर एक नेक्स्ट कैंडल बनेगा, तो ये ऐड हो जाएगा और ये वाला जो है ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम जो होता है मूविंग एवरेज होता है। और ये जो हम एवरेज निकाल रहे हैं सिंपल इसी तरीके से क्लोजिंग प्राइसेस की, इसी तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं, 10 डेज की एवरेज निकल रही है, इसको हम सिंपल दोस्तों मूविंग एवरेज बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब मूविंग एवरेज का फायदा क्या होता है, क्यों हम मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो स्मूद आउट कर देती है वोलेटिलिटी को, वोलेटिलिटी को स्मूद आउट कर देती है, एंड मेक इट ईजियर। अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पिछले 10 डेज का ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर एवरेज ऊपर जा रही है तो ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रहा है, वोलेटिलिटी को स्मूद आउट कर देता है। तो बेसिकली इसलिए हम ये मूविंग एवरेज दोस्तों ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। और ये जो देखिए दोस्तों हमने ड्रॉ करा था, ये था सिंपल मूविंग एवरेज,
जो हम लोग आप लोग सब जानते हैं, जो एवरेज हम देख रहे हैं। अब दोस्तों मूविंग एवरेज तरह तरह की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, टाइम सीरीज होता है, वेटेज होता है, सबके अपने अपने फॉर्मूला होते हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों, जो मोस्ट पॉपुलर है वो दोस्तों है सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम डिस्कस करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दिया। एक्सपोनेंशियल दोस्तों मूविंग एवरेज क्या होती है, इसके अंदर मोर वेटेज इज गिवन टू द रीसेंट प्राइजेस। जैसे सिंपल में क्या था, हर एक को इक्वली, जैसे 2+3 हमने करा, 2+3+4 करा, इक्वल वेटेज में डिवाइड करा, जो लेटेस्ट प्राइजेस हैं उनको मोर वेटेज दिया जाता है। इसके फॉर्मूले होते हैं, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये जो चीजें हैं ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। अब मैं दोस्तों आपको ना इसको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं कि क्या फर्क होता है दोनों में। देखिए दोस्तों, ये सिंपल एक निफ्टी 50 का चार्ट है। अब मैं इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करूंगा, सिंपल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों इस निफ्टी के चार्ट पर जो ब्लू लाइन आई है, ये 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चार्ट पर 50 डे की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करूंगा। तो दोस्तों ये मैंने इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करा। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। यहां पर आपको इसका डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पर ये काफी ऊपर आ रही है, कहीं पर मर्ज हो रही है। और हम जो यहाँ दोस्तों यूज करेंगे, मैं यूज करूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। और जैसा बताया, एक्सपोनेंशियल और सिंपल में एक ही डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल में मोर वेटेज इज गिवन टू द रीसेंट प्राइजेस, वो रीसेंट प्राइजेस में फास्ट रिएक्ट करता है। तो अब मैं कौन कौन सी मूविंग एवरेज यूज करूंगा वो आपको मैं भी बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे अभी बताया था मैंने कि मूविंग एवरेज जो है स्मूद आउट करता है वोलेटिलिटी को, और ट्रेंड को डिटरमिन करने में थोड़ा सा हेल्प करता है, व्यू टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द प्राइस ट्रेंड। तो बेसिकली वोलेटिलिटी को स्मूद आउट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी जो मूविंग एवरेजेस हैं ध्यान से सुनिए। मैं दोस्तों 13 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और इसको फर्दर स्लो या स्मूथ बोले आप, कर रहा हूं 8 डेज से। 13 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फर्दर स्लो और स्मूथ कर रहा हूं 8 डेज से। देखिए मूविंग एवरेज जो है वो स्मूद आउट वोलेटिलिटी को करता है, मैं फर्दर वोलेटिलिटी को स्मूथ कर रहा हूं। तो पहली जो मूविंग एवरेज दोस्तों मैं ड्रॉ करूंगा वो है 13 डे की। फिर दोस्तों जो दूसरी मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो है 8 डेज, 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्लो करा है, स्मूथ करा उसको मैंने दोस्तों 5 डेज से। फिर दोस्तों तीसरी मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट करी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्लो करा उसको, स्मूथ करा उसको 3 डेज से। 13 डेज स्मूथ करा, स्लो करा 8 डेज से, 8 डेज को स्लो करा, स्मूथ करा 5 डेज से। यहाँ दोस्तों एक थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर ये वाई की जगह टी आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों तीन मूविंग एवरेजेस को मैं ले रहा हूँ, तीन मूविंग एवरेजेस को ले रहा हूँ दोस्तों। ये है निफ्टी का डेली चार्ट, यहां पर अगर आप देखेंगे ये 13 डेज स्लो बाय 8 डेज है, ये 8 डेज स्लो बाय 5 डेज है, ये 5 डेज स्लो बाय 3 डेज है। तो ये तीन दोस्तों मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट करी है। अब देखिए एक चीज देखें, जैसे हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि जब आदमी सुबह उठता है, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, सुबह जब उठते हो तो बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी होती है आपके अंदर। मतलब कि अगर सुबह किसी को एक्सरसाइज करनी है, जिमिंग करना है, तो एकदम बढ़िया वक्त माना जाता है, क्योंकि एनर्जी बॉडी में भरपूर होती है। तो दोस्तों मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है कि हम एक बड़ा मूव देख रहे हैं। तो बड़ा मूव कब आएगा, जब एनर्जी होगी। तो दोस्तों वो एनर्जी कब होगी, जब ये तीनों दोस्तों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही होती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जब ये तीनों दोस्तों मूविंग एवरेज मर्ज हो रही हैं, तब तब इसमें हमको एक्शन लेना है। जब तीनों मूविंग एवरेजेस दोस्तों मर्ज हो रही हैं, उस समय हमें ब्रेकआउट देखना है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए तीन मूविंग एवरेज हमने ड्रॉ कर दी है। ये देखिए तीनों मर्ज हो रही है, जैसे सपोज ये तीनों यू मर्ज हो रही है, ये जब भी ये तीनों यूं मर्ज हो रही हैं, जैसे तीनों साथ साथ आ रही हैं, तीनों मर्ज हो रही हैं, एकदम पास में हैं, तब हमें उस स्टॉक को देखना है। तब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकआउट पे लेना है, ब्रेकडाउन पे बेचना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं आपको चार्ट दिखा के दिखाता हूँ। पूरी क्लियर एंट्री एग्जिट सिग्नल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों
ये है अदानी ट्रांसमिशन का एक टेक्निकल चार्ट, अदानी ट्रांसमिशन का एक टेक्निकल चार्ट है। और यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर हम देखें मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, इस कैंडल पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये लेवल्स हैं 263 के। ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो 3 दिन के अंदर ही रैली 263 से 298 स्टॉक गया। जब हम 263 पे ले रहे हैं तो दोस्तों इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस है, नीचे का ये लेवल है स्टॉप लॉस, इसके नीचे की क्लोजिंग आए या ये 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए, जो भी चीज पहले होगी वो हमारा एग्जिट है। यहां पर हमने लिया 263 पे लिया, 298 तक गया और यहां पर क्या है दोस्तों, ये वापस नीचे आया और यहां पर दोस्तों एक नीचे की तरफ क्लोजिंग देखने को मिल रही है इन लेवल्स पर। यहां पर भी क्लोजिंग है नीचे, 259 पर क्लोज हुआ। तो 263 पे आपने लिया, 298 तक गया, प्रॉफिट बुक करा तो ठीक, नहीं तो एक मामूली सा लॉस 259 पर आप एग्जिट कर रहे हैं। अब अगेन दोस्तों यहां पे मर्जर हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें कि दोबारा से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस कैंडल पर, और दोस्तों ये लेवल्स हैं 309 के लेवल्स हैं। ब्रेकआउट के बाद देखें तो एक बड़ी रैली, 309 से लिखें तो 439 तक की रैली देखने को मिली। आपने प्रॉफिट बुक करा तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हमारा एग्जिट आ रहा है 397 पर। एक चीज समझे दोस्तों, हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि 439 से 397 आ गया, हमेशा ये देखें कि यहां से यहां कितना मिल रहा है, यहां से यहां कितना लूज कर रहे हैं, दैट इज अ मटेरियल। नोबडी कैन सेल एट टॉप, नोबडी कैन बाय एट बॉटम, ये एक गुरु मंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों ये है अदानी टोटल का टेक्निकल चार्ट। यहां पर हम देखें तो यहां पर एकदम मूविंग एवरेज मर्ज हो रही है, एकदम मर्ज हो रही है। यहां पर अगर हम देखें तो इस कैंडल पे दोस्तों ब्रेकआउट है, इस कैंडल पे दोस्तों ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है हमारा। तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है ये है 221 के लेवल पे ब्रेकआउट है। अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये है, इनिशियली ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोज हो जाए या तीनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए, जो भी चीज पहले होगी वो हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहां पर क्या है, एक एंट्री आई 221 पर, उसके बाद एक बड़ी रैली टूवर्ड 374 तक की एक रैली देखने को मिली और उसके बाद यहां पर एक नीचे की क्लोजिंग आई 334 पर। तो 221 पर एंट्री, 334 पर एग्जिट, ये है। अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक करा तो वेल एंड गुड। इसके बाद दोस्तों दोबारा से मर्ज हो रहा है और यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये एक ब्रेकआउट है दोस्तों, 421 पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली 1250 तक की एक बड़ी रैली देखने को मिली है, अभी तक नीचे की क्लोजिंग नहीं है। जैसा मैंने बोला, प्रॉफिट बुक करने को आप फ्री हैं, तो हमने अपने क्लाइंट्स को 1175 पे प्रॉफिट बुक करा। और जब भी दोस्तों यहां ले रहे हैं तो इनिशियली स्टॉप लॉस हमारा ये है, इसके नीचे क्लोज हो जाए या तीनों के नीचे क्लोज हो जाए, जो भी चीज पहले होगी दैट इज आर एग्जिट, एंड एग्जिट इज क्लियरली डिफाइंड। देखिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, री एंट्री तो कभी भी कर सकते हैं, एग्जिट हमेशा करना है। तो ये था दोस्तों अदानी टोटल गैस का टेक्निकल चार्ट। दोस्तों ये है ब्लू डार्ट का डेली टेक्निकल चार्ट और यहां पर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, इन लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट है, यहां पर एक एंट्री है 2116 पे दोस्तों एंट्री आई। अब जब एंट्री ली तो स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, विच एवर इज अर्ली दैट इज आर एग्जिट। 2116 पर एंट्री, 2298 के लेवल्स अगले दिन ही देखने को मिले, टॉप बना, दोबारा प्राइसेस ऊपर नहीं गए। अगर हमने आपने यहां पर कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, एल्स 1986 पे दोस्तों एग्जिट है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही दिखाऊंगा एग्जांपल पे, तो लूजिंग ट्रेड्स भी आते हैं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई चीज परफेक्ट नहीं है, नथिंग गारंटेड। तो ये था एक लूजिंग ट्रेड का दोस्तों एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये है भारतीय इंटरनेशनल का चार्ट और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, ये क्लियर दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट है। और दोस्तों ब्रेकआउट आया है 186 के स्तरों पे क्लोजिंग आई है, ब्रेकआउट है। जब ब्रेकआउट है तो दोस्तों जो नीचे का स्टॉप लॉस हमारा ये है या तीनों के नीचे की क्लोजिंग, जो भी अर्ली हो जाए, 186 पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक भागा मोमेंटम के साथ, 248 के हाईज है, 248 के हाईज हैं, अभी भी नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को नहीं पता है अभी क्या होगा, लास्ट जो प्राइस है 16 अप्रैल का है, 197 की क्लोजिंग है। तो दोस्तों 186 से 248 के लेवल्स आए हैं और बीच में कोविड के केसेस भी अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर बढ़े हैं, मतलब कि अगर मैंने लिया होता तो शायद प्रॉफिट बुक कर लेता, टॉप पे नहीं तो कहीं 220-225 के अराउंड आप भी प्रॉफिट को बुक करते। तो एग्जिट क्लियरली डिफाइंड, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो एग्जिट पे ही करेंगे,
और इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया दोस्तों। दोस्तों एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे मैंने बोला कोविड के केसेस आए दोस्तों, तो देखिए अपना पैसा है, अगर आप सोचें कि राकेश बंसल ने सिस्टम बताया है एग्जिट पे एग्जिट करूंगा, तो ठीक है फिर हमेशा एग्जिट पे एग्जिट करें। देखिए मैंने तो अभी लाइव एग्जांपल दिखाया था, अदानी टोटल गैस में प्रॉफिट बुक करा, मतलब कि मुझे लगता है काफी मुश्किल था इसमें पोजीशन को होल्ड करना, जिस तरीके से कोविड के केसेस अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर जब मार्च एंड अप्रैल में बढ़े हैं तो मार्केट में क्रैक भी देखने को मिला है, तो खुद भी अपनी आंखें कान दिमाग अपनी ग्रीड को नजर रखना होता है। तो ये था एक एग्जाम्पल भारतीय इंटरनेशनल का। अब मैं दोस्तों आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है एंटरटेनमेंट नेटवर्क, जिसको आप ENIL के नाम से भी जानते हैं, उसका एक वीकली चार्ट। देखिए मैं निवेश भी करता हूँ, वीकली चार्ट है और यहाँ पर देखें स्टॉक बीटन डाउन है, काफी गिरा हुआ है और सारी एवरेजेस दोस्तों मर्ज हो रही हैं, सारी एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे मूव आ गया है प्रॉफिटेबल या जहाँ पे लॉस हो चुका है, कुछ चीजें रडार पे भी रखी जाती हैं। एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, टाइम ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर स्टेक काफी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी नजर है इस लेवल्स के ऊपर, जिस दिन भी दोस्तों इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी, इस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, खुद एक ओवरवेट क्वांटिटी खरीदूंगा निवेश के नजरिए से। ऑल दो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, उस समय क्या स्टॉप लॉस होगा मुझे पता नहीं है, बट ये स्टॉक दोस्तों मेरे रडार पर है, इसलिए दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है दोस्तों ENIL का वीकली चार्ट, जहाँ वीकली चार्ट के ऊपर सारी एवरेजेस मर्ज कर रही है। और एक चीज ऐड करूंगा दोस्तों, वीकली चार्ट की तो बात हुई है, मैं ये जो मूविंग एवरेजेस है सिर्फ डेली और वीकली पर देखता हूँ। आप में से कई लोग होंगे जो मंथली पे भी ट्राई करते हैं, करेंगे करिए, बट मैं जो हूँ सिर्फ डेली और वीकली पे देखता हूँ, मेरा बताना आपको फर्ज है, वो फर्ज का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है एलएमबी लिमिट का टेक्निकल चार्ट और यहाँ पे देखें तो एकदम से तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रखी है, हंगरी है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है 38 के लेवल्स पे दोस्तों ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो एक रैली देखने को मिली, यहाँ पर जो हाइज है ये हाइज लगे दोस्तों 62 लेवल तक ये स्टॉक गया। अगर आपने 38 से 62 के बीच में प्रॉफिट बुक करा तो वेल एंड गुड, एल्स यहाँ पर 47 रुपीज के पर इस पर एग्जिट आया जब हमने दोस्तों यहाँ खरीदा, तो हमारा स्टॉप लॉस ये है। इसके नीचे की क्लोजिंग या इसके नीचे तीनों के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज आर एग्जिट सिग्नल स्टॉप लॉस, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। और दोस्तों ये भी एलएमबी लिमिटेड का एक वीकली चार्ट है। तो दोस्तों ये है सुबेक्स लिमिटेड का डेली चार्ट, यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर मर्ज हो रही है, यहाँ पे मर्ज हो रही है, यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों ये एक ब्रेकआउट हो रहा है इन लेवल्स पर, यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है 10 रुपीज पे, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद 12 रुपीज 50 पैसा के हाइज लगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर एग्जिट आई 10 रुपीज 20 पैसा, मतलब कि एट पार एग्जिट है, कोई लॉस नहीं है। जब यहाँ पे दोस्तों हमने एंट्री ली थी तब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये था, वो डीप था, इसके नीचे क्लोज हो जाए या तीनों के नीचे क्लोज हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर हमारी एग्जिट हुई। अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा से मर्ज हो रही है मूविंग एवरेजेस, ये दोबारा से एक ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है 12 रुपीज 50 पैसा पर, ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक बड़ी रैली, यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 33 रुपीज के हाइज लगे, एग्जिट तो यहाँ पर भी है बट मैं एग्जिट यहाँ ले रहा हूँ जो क्लियरली आपको दिख रहा है, 27 रुपीज पर आपकी एग्जिट हो रही है, 12 रुपीज 50 पैसा पर एंट्री, 33 रुपीज के हाइज, 27 रुपीज पर एग्जिट। तो ये था दोस्तों सुबेक्स पर एंट्री एग्जिट हमारे ट्रेडिंग सिस्टम की। तो दोस्तों ये है एशियन पेंट का एक टेक्निकल चार्ट और जैसा मैंने पहले बोला था मोमेंटम को मिड कैप स्मॉल कैप पे मत बांधिए, मूविंग एवरेजेस को देखिए। अब यहाँ पे देखिए तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है एशियन पेंट की 2300 पर दोस्तों क्लोजिंग आ रही है, इसके नीचे ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोज हो जाए या तीनों के नीचे क्लोज हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज आर एग्जिट सिग्नल, 2300 पर हमारी एंट्री है, उसके बाद एक बड़ी रैली है और रैली में स्टॉक गया 2860 तक, 2860 के हाई, यहाँ पर एक नीचे नीट क्लीन क्लियर क्लोजिंग तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे 2604 पर। तो 2300 पर हमारी एंट्री है, 2604 पर हमारी एग्जिट है, तो भी हमको 304-305 रुपीज मिल रहे हैं नीट क्लीन क्लियर। तो ये था दोस्तों एशियन पेंट्स का एक टेक्निकल सेटअप।
तो दोस्तों ये है जियोजित फाइनेंशियल का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो, ये ब्रेकआउट का लेवल है। इन लेवल्स पे देखें दोस्तों, ये है 23 के लेवल्स हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। जब हम यहाँ ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये है, इसके नीचे की क्लोजिंग या इन तीनों के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर। 23 पर हमारी एंट्री है, उसके बाद स्टॉक ने रैली दिखाई, ये हाइज लगे दोस्तों, 43 लेवल्स के अराउंड के हाइज लगे। उसके बाद यहाँ पर 36 पर एग्जिट है, तो 23 पर एंट्री, 36 पर एग्जिट। जो दुखी आत्मा है, जो परेशान रहता है, वो इसी में परेशान रहेगा कि 43 से 36 का मूव लूज हो गया, और जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो इसमें खुश है कि 23 से 36 का मूव मिला। दोस्तों सेम जियोजीत फाइनेंशियल का ही चार्ट है, सेम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, ये क्लियर ब्रेकआउट दोस्तों, ये क्लियर ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर। ये क्लियर ब्रेकआउट है दोस्तों 46.80 पर एक क्लियर ब्रेकआउट है। यहाँ पर हम बाई कर रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, या फिर इस तीनों के नीचे की क्लोजिंग हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, वो हमारा एग्जिट है। 46.80 पर हमारी एंट्री है, एंट्री के बाद 62 के हाइज लगे दोस्तों, ये हाइज लगे, और यहाँ पर 54 पर एग्जिट सिग्नल आ रहा है इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई। तो दोस्तों ये है कामधेनु लिमिटेड का चार्ट, डेली चार्ट। यहाँ पर हम देखें तो सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, इन लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट है। यहाँ पर दोस्तों हमारी एंट्री है 80 रुपीज 50 पैसा का प्राइस है यहाँ पर हमारी इस ग्रीन कैंडल पर, यहाँ पर हमारी एंट्री है। एंट्री के बाद स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई दोस्तों, ये यहां तक की एक रैली देखने को मिली, और ये हाईज है 137 के, और यहां पर एग्जिट आया 121 पर। तो दोस्तों एंट्री है 80 रुपीज 50 पैसा पर, एग्जिट आया 121 पर, तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कामधेनु का भी निकला। दोस्तों ये है किर्लोस्कर फेरस का एक टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। यहाँ पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दोस्तों 107 पर। जब हम यहाँ ले रहे हैं तो इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर, 107 पर हमारी एंट्री है। एंट्री के बाद स्टॉक ने रैली दी 147 के प्राइजेस तक स्टॉक गया, बट एक करेक्शन आई, करेक्शन में इसके नीचे की क्लोजिंग आई 125 पर। तो 107 पर एंट्री, 125 पर एग्जिट, ये था किर्लोस्कर फेरस पर हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का एंट्री और एग्जिट सिग्नल। दोस्तों ये है शारदा क्रॉप का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे देखें तो सारी मूविंग एवरेजेस है, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। ये एक ब्रेकआउट का लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर की क्लोजिंग आई है दोस्तों, इस कैंडल पर, इस कैंडल पे क्लोजिंग आई है 298 पे क्लोजिंग आई। क्लोजिंग के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली, यहाँ पर 365 के दोस्तों हाइज लगे, 365 के हाइज लगे। हाइज के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे की क्लोजिंग आ गई 321 पर एग्जिट, 298 पर एंट्री, 321 पर एग्जिट, इन बिटवीन 365 के हाईज लगे। पहले प्रॉफिट बुक करा तो भी अच्छा, नहीं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड निकला शारदा क्रॉप भी। तो दोस्तों ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक टेक्निकल चार्ट, जी हाँ दोस्तों ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेजेस टोटली मर्ज्ड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर, 56.50 का लेवल है, और ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली, यहाँ पर दोस्तों हाइज लगे हैं 91 रुपीज के, और यहाँ पर एग्जिट आ रहा है दोस्तों इस कैंडल पर। तो नोट करें 56.5 पर एंट्री है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है इन लेवल्स पर, इसके नीचे की क्लोजिंग या इन तीनों के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर। 91 के हाइज लगे दोस्तों, एग्जिट आया 85 पर, फिर ये तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। फिर अगेन दोस्तों देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है इस कैंडल पर, ये है 98 का लेवल है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे की क्लोजिंग या इसके नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर। 98 पर एंट्री, एंट्री के बाद यहाँ पर 132 के हाइज, प्रॉफिट बुक करा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर एक क्लियर एग्जिट, एग्जिट आया 108 पर, 98 पर एंट्री, 108 पर एग्जिट, इन बिटवीन हाइज लगे 132 के दोस्तों। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर देखें तो तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ मर्ज हो रही हैं। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट, इस कैंडल पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट है 1574 पर, 1574 का ब्रेकआउट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये या तीनों के नीचे की क्लोजिंग,
विच एवर इज अर्लियर दैट इज आर स्टॉप लॉस 1574 के एंट्री, एंट्री के बाद एक रैली और रैली में हाइज लगे दोस्तों 2180 तक के, 2180 तक के हाइज लगे और यहाँ पर ये इसके नीचे क्लोज हो रहा है। 2080 पे एग्जिट है, 1574 पर एंट्री, 2180 का हाई, 2080 पर एग्जिट। तो ये था दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जो ट्रेडिंग सिस्टम आपको मैं शेयर कर रहा है उस पर इसका एंट्री और एग्जिट सिग्नल। तो दोस्तों ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक टेक्निकल चार्ट और यहाँ पे देखें तो तीनों ये एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट इस कैंडल पे देखने को मिल रहा है, सारे लेवल्स को तोड़ गया है, सारे लेवल्स को तोड़ गया है यहाँ पर और ये ब्रेकआउट हो रहा है 1968 के लेवल्स पे दोस्तों ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने को मिली और यहाँ पर हाइज जो है दोस्तों वो लगे 2180 के हाइज लगे, 1968 की एंट्री है और यहाँ पर नीचे की क्लोजिंग आई 2090 पे दोस्तों एग्जिट। तो ये था दोस्तों ट्रेडिंग सेटअप हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। दोस्तों ये है एक्शन कंस्ट्रक्शन का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ पर 86.5 पर एक क्लियर ब्रेकआउट है और हम जब ले रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये क्या इन तीनों के नीचे की क्लोजिंग विच एवर इज अर्लियर 86.5 पर हमारी एंट्री, एंट्री के बाद देखें तो यहाँ पर 147 तक के हाइज देखने को मिले, ये 147 के हाइज और यहाँ पर एक नीचे की क्लोजिंग हो रही है इस कैंडल पर 132 पर। तो 86.5 एंट्री पॉइंट है, 147 का हाई लगा, 132 पर एक एग्जिट। तो ये था ट्रेडिंग सेटअप एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अच्छे से काम करा। तो दोस्तों ये है अदानी ग्रीन एनर्जी का टेक्निकल चार्ट। दोस्तों यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, यहाँ पर ये लेवल्स हैं 402 के और एक बार भी नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई है, 402 पे एंट्री, सीधा अगर आप देखें तो 1206 के हाइज लगे, 402 की एंट्री, 1206 के हाइज और इस कैंडल पे नीचे की क्लोजिंग 1040 पे एग्जिट। तो 402 पर एंट्री, 1040 पर एग्जिट। ये था अदानी ग्रीन एनर्जी पर जो ट्रेडिंग सिस्टम मैंने शेयर करा है उसकी परफॉर्मेंस। दोस्तों ये है आलोक इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर देखें तो मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। तो स्टॉक ऑन रडार है मेरे, ऑन रडार है, आई एम वेटिंग, अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है देन आई विल सी एट दैट टाइम कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टॉक ऑन रडार है, ऐसा नहीं है कि आपको वही चीज दिखा रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। तो इस तरीके से स्टॉक को रडार में रखा जाता है, पहले से प्लानिंग करी जाती है, प्लानिंग करके काम किया जाता है, चीजें रडार पर होती हैं तो फंड भी आदमी मैनेज करता है। तो टूवर्ड्स क्लोजिंग में ऐसे स्टॉक्स को देखता हूँ, तो आलोक इंडस्ट्रीज मेरे रडार पर है, अगर ब्रेकआउट होगा तो तब इसको देखेंगे। दोस्तों ये है HCL इन्फोसिस का एक टेक्निकल चार्ट, ये है दोस्तों HCL इन्फोसिस का एक टेक्निकल चार्ट और ये वीकली चार्ट है, ये एक वीकली चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस मर्ज्ड हैं, एकदम मर्ज्ड हैं, मेरे को तो तीन की जगह ये कई बार एक ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन लेवल्स पे मेरी नजर है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो ब्रेकआउट है, यहाँ पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं और HCL इन्फोसिस में तो HCL नाम जुड़ा हुआ है, तो स्टॉक रडार पर है। पोस्ट ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के समय भी ये मूविंग एवरेजेस मर्ज पर है देन आई विल बाय, तो स्टॉक ऑन रडार है। तो ये आपसे एक स्टडी यहाँ पर शेयर करिए HCL इन्फोसिस पे दोस्तों। फ्रेंड्स ये टाटा स्टील का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर सब मर्ज हो रही है मूविंग एवरेजेस, तो वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट इज एट दिस पॉइंट, ये ब्रेकआउट है, दिस इज अ स्टॉप लॉस, ये इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों के नीचे की क्लोजिंग विच एवर इज अर्लियर। अब आप में से कई लोग पूछेंगे भी कि भैया मूविंग एवरेज के नीचे पहले क्लोज हो जाएगा, बट जब भी हम एंट्री लेते हैं एक स्टॉप लॉस फिगर दिमाग में रखते हैं, इसलिए दोनों चीजें रख रहे हैं, जो भी चीज पहले हो जाएगी वो आर एग्जिट पॉइंट है। तो ये है दोस्तों टाटा स्टील का एक टेक्निकल चार्ट, 269 पर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद हम देखें तो यहां तक की एक रैली देखने को मिली, ये हाइज है दोस्तों 473 के हाइज हैं, 473 तक ये स्टॉक गया 269 पर एंट्री देने के बाद और यहाँ पर इस कैंडल पर नीचे की क्लोजिंग है 423 पर। तो 269 की एंट्री, 473 का हाई, 423 पर एग्जिट। अब दोस्तों कौन कहता है कि लार्ज कैप के अंदर मोमेंटम नहीं है, एशियन पेंट दिखाया, लीवर दिखाया, रिलायंस दिखाया, अब टाटा स्टील दिखाया, तो काफी मिथ आपके दूर करे जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा। फ्रेंड्स ये हिंदुस्तान फूड का एक टेक्निकल चार्ट है, यहाँ सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज्ड हैं,
और यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। दिस ब्रेकआउट इज एट 1084 लेवल्स, 1084 पर ब्रेकआउट है। ये हमारा स्टॉप लॉस है इसके नीचे की क्लोजिंग, या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर। 1084 पर एंट्री, और यहां पर एक रैली देखने को मिली, यहां तक 1700 तक की रैली, यहां पर नीचे की क्लोजिंग 1466 पर। तो 1084 पर एंट्री, 1466 पर एग्जिट, ये एक सेटअप था। दोबारा से मर्ज रहे हैं दोस्तों, यहां पर एक दोबारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, दोबारा से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये 1690 के लेवल्स हैं, ये 1690 के लेवल्स हैं। यहां से दोबारा से एक अपमूव, 2500 की रैली, 1690 के एंट्री, 2500 के हाईज, और यहां पर एक एग्जिट 2100 पर एग्जिट। तो दोस्तों 1690 की दूसरी एंट्री, 2100 पर एग्जिट। एंड प्लीज डू रिमेंबर, नोबडी कैन बाय एट बॉटम, नोबडी कैन सेल एट टॉप। फ्रेंड्स, दिस इज चार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। यहां पर मूविंग एवरेजेस मर्ज कर रही हैं, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दिस इज द ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकआउट है 44.70 पे ब्रेकआउट है। दिस इज अ स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस एक वाइंड पर, ये या तीनों के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज अ स्टॉप लॉस। 44.70 की एंट्री है। इसके बाद दोस्तों देखें तो यहां नीचे कहीं क्लोज नहीं हो रहा है, और यहां से एक रैली देखने को मिली यहां तक। ये हाईज है अराउंड 79 के, ये एग्जिट पॉइंट है, नीचे क्लोज हुआ 67 पर। तो 44.70 की एंट्री, 79 का हाई देयर आफ्टर, एंड 67 पर एग्जिट है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। फ्रेंड्स, ये BHEL का चार्ट है, यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज्ड हैं, यहाँ पर हमने क्लाइंट ड्रॉ करी। दिस इज अ ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकआउट आया 31.25 पर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रैली देखने को मिली, ये जो हाईज हैं 36.90 तक के हाईज हैं, 31.25 की एंट्री, और यहाँ पर दोस्तों एग्जिट आया 32.70 पर। एग्जिट में मेजर प्रॉफिट निकल गया, बट दिस इज वॉट हैपन्स, हमेशा सब कुछ जीवन में नहीं मिलता है। 31.25 पर एंट्री, 36.90 का हाई, 32.70 पर एग्जिट। तो ये था BHEL में हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पर एंट्री और एग्जिट का एक सिग्नल दोस्तों। फ्रेंड्स, ये अदानी इंटरप्राइजेस का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हैं, और यहाँ पर हम देखें तो ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट दोस्तों हो रहा है, यहाँ पर 335 के लेवल्स पे ब्रेकआउट है, 335 के लेवल्स पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद एक बार भी नीचे की क्लोजिंग नहीं है। 335 से अगर हम यहाँ देखें तो ये लगभग हाईज लगे हैं, हाईज हैं 545 के। ये एक डाउट है, यहाँ पर क्लोजिंग है कि नहीं है, नेकेड आई से क्लोजिंग नहीं लगता है, बट माइक्रोस्कोप लगाएं तो शायद तीनों मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है। 540 हाई, 5 का हाई है, 507 पर एग्जिट है। 335 की एंट्री, 507 पर एग्जिट। दोबारा से मर्ज है, दोबारा से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस कैंडल पर, और ये दोस्तों एंट्री है, 558 की एंट्री है। एंट्री के बाद से आज ये जब रिकॉर्डिंग हो रही है, लास्ट कैंडल है 16 अप्रैल 2021 की, 558 की एंट्री, 1230 के हाईज, और अभी तक कोई सेल नहीं है। तो ये था अदानी इंटरप्राइजेस पर टेक्निकल सेटअप। फ्रेंड्स, ये टाटा मोटर का टेक्निकल चार्ट है, ये टाटा मोटर का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस मर्ज्ड हो रही हैं। तो हमने एक नेकलाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, 145 पर ब्रेकआउट आया। दिस इज अ स्टॉप लॉस, या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो टाटा मोटर पर 145 की एंट्री, एंट्री के बाद रैली, और रैली में हाईज लगे 187 के हाईज लगे, और यहाँ शार्प करेक्शन आई, नीचे क्लोज हुआ 165 पर। तो एग्जिट है 145 पर एंट्री, 165 पर एग्जिट, इन बिटवीन हाई लगा 187 का टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों। फ्रेंड्स, ये ITC का टेक्निकल चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। काफी सालों से स्टॉक चला नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रडार पर रख रहा हूँ, डेली बेसिस पर वीकली चार्ट को देखता हूँ कि जब कुछ चीज समझ में आएगी तब देखेंगे। तीनों मर्ज हो रही हैं, कुछ ब्रेकआउट लेवल समझ में आएगा, देन वी विल एक्ट। तो ये एक ITC का फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, ये आपके साथ शेयर करा है मैंने। फ्रेंड्स, ये मदरसन सुमी का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ 128 के लेवल्स पर। ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने को मिली 128 से। ये हाईज जो लगे फ्रेंड्स, ये हाईज लगे 161 के,
128 से 161 के हाईज लगे और यहाँ पर करेक्शन आई, 161 से करेक्शन आई 147 पे एग्जिट। तो 128 की एंट्री, 147 का एग्जिट, इन बिटवीन हाई ऑफ 161। फ्रेंड्स ये है पीएनजी हाइजीन का चार्ट। ये पीएनजी हाइजीन हेड एंड शोल्डर वाला, ये वो वाला पीएनजी हाइजीन है। और यहाँ पर हम देखें तो तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही थी। ब्रेकआउट लेवल जो था, आप इसको भी ब्रेकआउट लेवल मान सकते हैं, ये भी ब्रेकआउट लेवल है, बट गैप से खुला और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ 12,300 पर। दिस वॉज आर एंट्री पॉइंट। एंट्री के बाद एक रैली देखने को मिली, रैली में 13,700 तक स्टॉक गया और यहाँ पर नीचे की क्लोजिंग आ गई। 12,860 पर एग्जिट है, 12,300 की एंट्री है, 12,860 की एग्जिट है और जब हमने एंट्री ली तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये तीनों के नीचे की क्लोजिंग, दैट इज आर एग्जिट सिग्नल। तो विच एवर इज अर्लियर। तो ये था पीएनजी हाइजीन पर एक ट्रेडिंग सेटअप हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का। फ्रेंड्स ये सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। यहाँ पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट, ये क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्लियर ब्रेकआउट है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट है 67 के लेवल से ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ये 87 के हाईज है और ये एग्जिट है 73.5 की एग्जिट है। तो आई एम रिपीटिंग, 67 पर एंट्री, 73.5 पर एग्जिट, इन बिटवीन हाई लगा 87 का। तो अच्छा काम करा ये ट्रेडिंग सेटअप सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर। फ्रेंड्स ये है यस बैंक का टेक्निकल चार्ट, ये है यस बैंक का टेक्निकल चार्ट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस तीनों मर्ज हो रही हैं। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकडाउन इस कैंडल पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन आया है 17.25 पर, एक क्लियर ब्रेकडाउन है। टेक्निकली एक ब्रेकडाउन है और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। तो कई लोग जैसे येस बैंक के बारे में पूछते रहते हैं, अगर आपको चार्ट देखने आते हो, स्ट्रेटेजीज आती हो, तो एटलीस्ट आप अपने एक्शन में काम कर लेते हैं। तो ये जस्ट एक सेटअप दिखा रहा था कि सेटअप्स आपको एग्जिट भी कराता है अपने इस पर डिलीवरीज में। तो आपने एक बार यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो आई डोंट थिंक कि ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे काटेंगे। कम से कम डिलीवरी को स्क्वेयर करके आप निकाल देंगे। और यहाँ पर आप देखें एक बड़ा कुछ अपग्रेड आया था येस बैंक में, मार्केट कैप को लेके बड़ा था, बट कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं था। अल्टीमेटली वापिस ढिशक्या हो गया, नीचे भसम हो रहा है ये। तो ट्रेडिंग सेटअप पे देखें, जब हमने इसको रिकमेंड किया था नीचे में, तब एक ट्रेडिंग सेटअप था, एक रैली देखने को मिली। अब कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है एज ऑफ नाउ येस बैंक के अंदर। तो दोस्तों ये है जिलेट इंडिया का टेक्निकल चार्ट। ये वीकली सेटअप है, देखिए ये वीकली सेटअप है। यहाँ पर भी एक एवरेजेस मर्ज हुई थी, रैली बनी स्टॉक के अंदर, बट मेरे को लगता नहीं है कुछ यहाँ पे मिला है। बट अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है यहाँ पे दोस्तों, मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। तो स्टॉक मैंने रडार पे रखा हुआ है कि आगे चल के कोई ब्रेकआउट होता है तब देखेंगे। तो चीजें प्लान करके रखनी पड़ती है, क्या चीजें रडार पर हैं उनको नोट करके रखें। जो चीजें रडार पर हैं, डेली क्लोजिंग पर 3 PM के अराउंड उनके चार्ट देखने चाहिए। तो जिलेट मेरी वॉच लिस्ट पर है दोस्तों, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। अगर इस मर्जर के चलते यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है, कि इसके ऊपर कोई ब्रेकडाउट आता है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है, देन एज तब ब्रेकआउट के समय इसको देखेंगे। तो जिलेट ऑन रडार है दोस्तों ये है जिंदल स्टेनलेस का टेक्निकल चार्ट। इससे पहले मैं एक चीज अपडेट करना चाहूंगा, जो मैंने आपको जिलेट का टेक्निकल चार्ट दिखाया था वो वीकली चार्ट था इससे पहले जो दिखाया। ये जिंदल स्टेनलेस का टेक्निकल चार्ट है, तीनों एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। यहाँ पर देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इस कैंडल पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट है 51 पर। एक बार भी नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पर नीचे गया है बट क्लोजिंग नहीं आई है। अल्टीमेटली यहाँ पर हाईज लगे दोस्तों, 96 के अराउंड के हाईज लगे, 82 पर नीचे क्लोजिंग आई। तो एग्जिट है 51 रुपीज पर एंट्री, 96 का हाई, एग्जिट आई 82 पर। तो ये था ट्रेडिंग सेटअप जिंदल स्टेनलेस पे, अच्छा काम करा, जो रूल मैं फॉलो करता हूँ आपके साथ शेयर करा है। फ्रेंड्स ये जिंदल स्टील एंड पावर का टेक्निकल चार्ट है, ये कोविड के चलते क्रैक आया, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज रहे हैं। इस कैंडल पर देखिए ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, इस कैंडल पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 108 के अराउंड। ब्रेकआउट के बाद 234 के हाईज दोस्तों, 234 के हाईज जिंदल स्टील के अंदर, और एग्जिट आया 205 पर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2x काइंड का स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर, FNO वाला स्टॉक भी 2x हो सकता है इस सेटअप पर। तो ये था 108 की एंट्री, 234 का हाई और एग्जिट 205 पर।
दोस्तों ये है JSW स्टील का टेक्निकल चार्ट, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं यहाँ पर, ये एक ब्रेकआउट आ रहा है, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये है इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों के नीचे की क्लोजिंग विच एवर इज अर्लियर, और ये 436 के लेवल पे एंट्री दे रहा है। उसके बाद से ये जो लास्ट कैंडल है ये 16th अप्रैल 2021 की है, प्राइस है 635 का, 436 से लेकर 635 के लेवल्स की एक रैली दिखा चुका है और एक बड़ा अपमूव JSW स्टील ने दोस्तों दिखाया है। तो दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है ट्रेडिंग सेटअप जो मोमेंटम की बात करते हैं, मैंने आपको दिखाया है एशियन पेंट्स, लीवर, रिलायंस, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के अंदर भी ये स्टॉक, ये जो सेटअप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा है, ये इसको कैच करने में दोस्तों मदद कर रहा है। फ्रेंड्स ये टाटा स्टील BSL का टेक्निकल चार्ट है, तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, मर्जर में हम देखें तो ब्रेकआउट लेवल ये है, इन लेवल्स पे दोस्तों यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है 26 के अराउंड, यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट के बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ जो थ्योरिटिकल आता है वो काफी दूर आता है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस है, बट साथ में कंडीशन होती है कि तीनों के नीचे की क्लोजिंग विच एवर इज अर्लियर, तो मोस्ट प्रॉब्ली पहले ही एग्जिट कराएगा, अगर मिस फायर करेगा तो 26 के अराउंड की एंट्री, उसके बाद एक बड़ा अपमूव, अपमूव में 45 तक के हाइज लगे, यहाँ पर एग्जिट आया 41 पर, तो 26 के अराउंड की एंट्री, 45 का हाई, 41 पर एग्जिट, तो अच्छा काम करा ये जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है टाटा स्टील BSL पर। तो दोस्तों ये है आरती ड्रग्स का टेक्निकल चार्ट, और सिर्फ यहाँ चार्ट को लाने का मतलब ये है कि देखो तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज कर रही है तो चीजें रडार पे रखनी पड़ती हैं, मर्ज हो रहा है कहीं ऊपर का ब्रेकआउट हो, देखिए ब्रेकडाउन पे बेच तो सकते नहीं है बट ब्रेकआउट हो तब देखेंगे, तो इसको रडार पे रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी स्टॉक्स निकाल के रखने हैं, खोज के रखने हैं, ये नहीं कि खोज जारी है, खोज के रखने हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है। 20 को ट्रैक करेंगे तो शायद 2-3 मटेरियलाइज हो आपके टाइप में, आपको समझ में आए, तो जो समझ में आया वही काम करना है। तो आरती ड्रग्स जो है वॉच लिस्ट पर है दोस्तों, इसलिए इसका चार्ट आपके साथ शेयर करा। फ्रेंड्स ये चार्ट है एल्काइल एमीन्स का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, यहाँ पर ये नेकलाइन टूट रही है, ये ब्रेकआउट है क्लोजिंग बेसिस पर 4429 4430 4430 के अराउंड एंट्री आ रही है। एंट्री के बाद ये जो हाइज लगे हैं, ये जो हाइज लगे हैं 5400 के हाइज हैं, और यहाँ पर इसके नीचे की क्लोजिंग आई तो 4990 पे एग्जिट है, तो अच्छा काम करा हमारा ट्रेडिंग सेटअप एल्काइल एमीन्स पर, 4430 की एंट्री, 5400 के हाइज देर आफ्टर, और एक क्लियर एग्जिट 4990 की एक क्लियर एग्जिट आई है एल्काइल एमीन्स पर। दोस्तों ये है BML का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर एकदम मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, क्लियरली मर्ज हो रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट, अगर हम देखें यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करें तो एक क्लियर ब्रेकआउट इस कैंडल पे क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है, 655 पर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर आपकी एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, दिस और क्लोजिंग बिलो द थ्री मूविंग एवरेजेस विच एवर इज अर्लियर, 655 की एंट्री है। एंट्री के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ी रैली, और रैली में दोस्तों हाइज लगे 1022 के अराउंड के हाइज लगे, और यहां पर एक क्लियर प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल रहा है 931 पर, 655 की एंट्री, 935 पर एग्जिट सिग्नल, इन बिटवीन हाई है 1022 का। फ्रेंड्स ये है टाटा कंसल्टेंसी TCS का टेक्निकल चार्ट, यहां सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, यहां सारी मर्ज हो रही हैं, और यहां पर एक क्लियर बाय सिग्नल है, यहां पर एक क्लियर ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम से क्लियर ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं 2290 2300 के अराउंड, यहां पर एक बाय सिग्नल है, और दोस्तों सब जानते हैं इस ब्रेकआउट पर एडवाइजरी के अंदर हमने TCS रिकमेंड किया था, मीडिया में रिकमेंड किया था 2300 पर बाय है, ये स्टॉप लॉस है, ये या क्लोजिंग बिलो द थ्री मूविंग एवरेजेस विच एवर इज अर्लियर, स्टॉक ने एक रैली दिखाई, करेक्शन आई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, और अल्टीमेटली हाइज लगे दोस्तों यहाँ के, ये लेवल्स हैं अराउंड 2800 के लेवल्स हैं, और एग्जिट आया 2635 पर एग्जिट आया। तो देखिए अगेन लार्ज कैप के अंदर हमने एक मोमेंटम पकड़ा, तो कौन कहता है कि लार्ज कैप मोमेंटम नहीं दिखाते हैं, मोमेंटम कोई जागीर नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप की, लार्ज कैप में भी मोमेंटम देखने को मिलता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये ईस्ट इंडिया होटल EIH लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ मर्ज हो रही है,
यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसके ऊपर 103 पर, यहाँ पे दोस्तों हमारी एंट्री बाय सिग्नल 103 पर आया। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस ये क्या क्लोजिंग बिलो थ्री मूविंग एवरेजेस विच एवरेज अर्लियर 103 पर एंट्री आई, 112 तक ये स्टॉक ऊपर में गया, प्रॉफिट बुक करा तो ठीक है, एल्स लॉस में एग्जिट आई 99.5 पर एग्जिट सिग्नल, 103 पर एंट्री 99.5 पर एग्जिट सिग्नल, और अभी प्राइस चल रहा है 16th अप्रैल 2021 का 87 का। तो देखिए हाथ में कुछ नहीं रहता है, एग्जिट करा देता है प्रॉफिट या लॉस में, लॉस तो आएगा बट लूजिंग ट्रेड्स कम हो तो अच्छा होता है और इस पर लूजिंग ट्रेड्स कम ही आ रहे हैं हम देख रहे हैं। ये था दोस्तों ईस्ट इंडिया होटल का ट्रेडिंग सेटअप जो कि एक लूजिंग ट्रेड है। फ्रेंड्स ये हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी का टेक्निकल चार्ट है, नई लिस्टिंग हुई थी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, ये स्टॉप लॉस है, या तीनों के नीचे की क्लोजिंग आए तो ये स्टॉप लॉस है। अब ये स्टॉक क्या था, यहाँ पे सर्किट था, अगले दिन ऊपर खुला, तो मैंने भी अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर रिकमेंड किया था, हमने भी एडवाइजरी में नीचे में थोड़ा सा सेटल होने के बाद, तो बेसिकली यहाँ पर क्लोजिंग हुई 87 पर आपकी एंट्री आई, उसके बाद एक बड़ा अपमूव आया 199 तक ये अपमूव गया, और यहाँ पर एग्जिट सिग्नल आ रहा है इस कैंडल पर 170 पर, 87 की एंट्री 170 का एग्जिट 199 का हाई, और दोस्तों हमने तो 145 के अराउंड एग्जिट कर लिया था। हाजमा होता है अपना अपना, कई बार हम पूरा रन करते हैं, कई बार प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो जो आपको बता रहा हूँ उसी चीजों को मैं भी फॉलो करता हूँ, तो ये रीजन ये था बताने का कि एडवाइजरी में भी हमने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी रिकमेंड किया था। फ्रेंड्स ये है IDFC फर्स्ट बैंक का एक डेली चार्ट है, IDFC फर्स्ट बैंक का डेली चार्ट है, यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है 32.80 के अराउंड, 32.80 का ब्रेकआउट, दिस इज द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है 32.80 का ब्रेकआउट, ये आपका स्टॉप लॉस है, या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो एग्जिट है, और एंट्री के बाद हाइज लगे, ये हाइज अगर हम देखें तो ऊपर में हाइज लगे 38 के हाइज लगे हैं, 37.5 38 के हाइज लगे, और यहाँ पर एग्जिट आया दोस्तों 34.20 पर एग्जिट, 32.80 की एंट्री 34.20 का एग्जिट, इन बिटवीन हाई लगा 38 के अराउंड का। फ्रेंड्स ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का टेक्निकल चार्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, क्लियरली यहाँ पर दोस्तों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एंट्री आ रही है 233 पर ब्रेकआउट, दिस इज द स्टॉप लॉस, 233 का ब्रेकआउट, दिस इज द स्टॉप लॉस, या मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग आए तो ये आपकी एंट्री है। एंट्री के बाद इसने एक बड़ी रैली दिखाई, 390 के हाइज लगाए, 390 के हाइज लगाए, और यहाँ पर दोस्तों एक 335 पर एक एग्जिट है, तो 233 की एंट्री 335 का एग्जिट, इन बिटवीन हाई लगा 390 का, तो अच्छा काम करा जो ट्रेडिंग सेटअप मोमेंटम कैच करने का मैंने बताया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर। दोस्तों ये है स्पाइस जेट का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस पूरी मर्ज हो रही है, देखिए पूरी मर्ज हो रही है, ये एक नेकलाइन ड्रॉ करी हमने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 55 पर एक ब्रेकआउट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग है, 55 पर एंट्री, एंट्री के बाद एक वर्टिकल रैली, रैली में हाईज लगे 107 के, और एग्जिट आया इस कैंडल पर 92 के अराउंड एग्जिट आया, 55 की एंट्री 107 का हाई लगा, 92 का एग्जिट आया, तो अच्छा काम करा ये जो ट्रेडिंग सेटअप है स्पाइस जेट पे, मोमेंटम पकड़ने पर इसने मदद करी। तो दोस्तों ये है सुप्रजीत इंजीनियरिंग का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आ रहा है 224 का ब्रेकआउट, दिस इज आर स्टॉप लॉस, ये या इसके नीचे की क्लोजिंग जो भी पहले हो वो हमारा स्टॉप लॉस है, 224 की एंट्री है हमारी, एंट्री के बाद ये रैली देखने को मिली 310 के हाइज लगे, और एग्जिट दिया इसने 280 पर एग्जिट दिया, तो रिपीट कर रहा हूँ 224 की एंट्री 280 का एग्जिट 310 का हाई इन बिटवीन, तो अच्छा मोमेंटम पकड़ने में मदद करी हमारे ट्रेडिंग सेटअप ने सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर। तो फ्रेंड्स ये है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का चार्ट, ये मैकडी वाला मैकडोनल्ड्स वाला चार्ट, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है, 485 पे एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ऊपर में देखें ऊपर गया और यहाँ पर 529 530 के हाईज लगाए,
485 के एंट्री, 529 के हाईज, बट ऊपर सस्टेन नहीं करा, एक शार्प करेक्शन देखने को मिली 472 पर एग्जिट। तो लूजिंग ट्रेड है 485 पर एंट्री, 472 का एग्जिट, इन बिटवीन हाई 529 का। तो हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, लॉसेस भी बीच बीच में आते हैं। तो ये था मोमेंटम सेटअप कैसे काम करा बेस्ट लाइफ के ऊपर हमारा ट्रेडिंग वाला। दोस्तों ये है ज़ेन्सा टेक्नोलॉजी का चार्ट, ये है ज़ेन्सा टेक्नोलॉजी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। ये लाइन ड्रॉ कर रखिए, पहले से ही ट्रैक पे था, नीचे भी गिरा, बट जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आया 250 पर, 250 का ब्रेकआउट पे बाय, स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर, इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री है 250 पर एंट्री, ये 250 पर एंट्री, एंट्री के बाद यहाँ पर एक हाईज लगे 345 के हाईज लगे, और इसने दोस्तों एग्जिट दिया आपको 275 पर। तो 250 की एंट्री, 275 का एग्जिट, 345 का हाई, इन बिटवीन प्रॉफिटेबल ट्रेड है। हालांकि ऊपर का प्रॉफिट काफी खत्म हुआ 345 से 275 का, बट समथिंग बेटर देन नथिंग। किसी को कम्बल जहां नहीं मिलता, नोबडी कैन सेल एट टॉप, नोबडी कैन बाय एट बॉटम, इसको याद रखिए। दोस्तों ये है वोकार्ट का टेक्निकल चार्ट, एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पर, राउंडिंग बॉटम में देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर 320 पर, एक क्लियर ब्रेकआउट, दिस इज योर स्टॉप लॉस, ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप बाय कर रहे हैं 320 का एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली 568 के हाइज देखने को मिले, और यहाँ पर एक एग्जिट कराया इसने आपको 494 पर, 320 के एंट्री, 494 पर एग्जिट, 568 का हाई इन बिटवीन। तो अच्छा काम करा, ये जो ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, मोमेंटम पकड़ा वोकार्ट पर। तो दोस्तों ये है वेंकीज का एक टेक्निकल चार्ट, तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ मर्ज हो रही है। मेरे पास डिलीवरी में तो स्टॉक है नहीं जो मैं इसकी ब्रेकडाउन पर बेचूंगा, बट स्टॉक मेरे रडार पर है, अगर इसके ऊपर निकलता है और तब भी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड बाय। वेंकीज ऑन रडार है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज कहाँ पे प्रॉफिट हुआ कहाँ पे लॉस हुआ, कुछ चीजें वॉच लिस्ट पर हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स ये है वैभव ग्लोबल का टेक्निकल चार्ट, वैभव ग्लोबल का टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस पूरी मर्ज हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट 2230 लेवल्स, 2230 लेवल्स पर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक बड़ी रैली यहाँ पर अगर हम हाईज देखें तो 4700 के हाईज लगे हैं, और अंत में एग्जिट दिया इस सिस्टम ने 3798 लेवल्स पर एग्जिट दिया। तो दोस्तों 2230 पे एंट्री, 4700 का हाई, 3798 यानी कि 3800 के अराउंड एग्जिट। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम वाला जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एवरेजेस को, बेसिकली क्या है, ये मल्टीवैगर्स टाइप भी दे रहा है, 2x काइंड के स्टॉक्स भी आपको दे रहा है, और क्लियरली हमने देखा है दोस्तों ये है तानला सॉल्यूशन का, दोस्तों ये है तानला प्लेटफॉर्म का टेक्निकल चार्ट। और यहाँ पर हम देखें तो सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों इन स्तरों पर। ये एक क्लियर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया यहाँ 77 रुपीज पर, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, 77 पर ब्रेकआउट आया, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे, या इसके नीचे क्लोज हो जाए या फिर मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ चार्ट को, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 300 रुपीज तक की रैली आ चुकी है, एक बार भी नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। अब चार्ट को दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, दोस्तों चार्ट को आगे लेके गया, 300 तक की रैली आप देख चुके थे, एक बार भी नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पर पास में आया बट क्लोजिंग नहीं आई है। इनफैक्ट देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 900 के हाईज लगे, एग्जिट आया 640 पर। तो दोस्तों ये तो मल्टीवैगर स्टॉक हो गया, 77 पर एंट्री, 900 रुपीज का हाई, 640 पे एग्जिट। तो जैसे दोस्तों हम बोलते हैं ना, जैसे जो लोग मल्टीवैगर स्पॉट करते हैं बोलते हैं कि मल्टीवैगर तो समय आने पे पता चलता है, तो इस तरीके से हमारे सिस्टम पर हमने देखा है कि 2x तो बहुत मिल रहे हैं, तो मल्टीवैगर स्टॉक भी निकला है तानला। दोस्तों ये है MMTC का डेली चार्ट, यहाँ पे देखें तो सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, यहाँ पर मर्ज हो रही है, और यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट इन लेवल्स पर, ये लेवल्स हैं 17.30 के, 17.30 रुपए पर एक बाई जनरेट हो रहा है, ये स्टॉप लॉस है। इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग जो भी पहले आ जाए
वो हमारा एग्जिट है 17.30 पर, एंट्री है, एंट्री के बाद हाई लगा 33 रुपीज का, प्रॉफिट बुक करा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर एग्जिट है 28 रुपीज पर। तो 17.30 की एंट्री, 28 पर एग्जिट, इन बिटवीन हाई लगा 33 का। दोबारा से देखिए यहाँ एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, यहाँ पर हमने दोबारा एंट्री ली, ये एंट्री आई 34 रुपीज पर एंट्री आई। अगेन ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोज हो जाए या तीनों के नीचे क्लोज हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद देखें तो यहां पर 52 का हाई एंड देयर आफ्टर एग्जिट आया हमारा 40 लेवल्स पर। तो रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 34 रुपीज पर एंट्री, 40 पर एग्जिट, इन बिटवीन हाई 52 का। फ्रेंड्स ये है स्टॉक चार्ट इंटेलेक्ट डिजाइन का, इंटेलेक्ट का। और यहां पर अगर हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है, सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रखी हैं, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आया इस लेवल पर 356 का, एक ब्रेकआउट आया 356 के ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है, 770 का हाई लगा है, एग्जिट का कोई सिग्नल नहीं है, बट ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2x के ऊपर चल रहा है। तो इंटेलेक्ट ने एक बढ़िया एंट्री दी, उसके बाद एक अच्छे मुनाफे में बैठा हुआ है, अब जब एग्जिट भी आएगा तो भी प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा वो। दोस्तों ये है इंडिया मार्ट का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे देखें तो एक बड़ा राउंडिंग बॉटम है, मूविंग एवरेजेस मर्ज हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट की लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है 5500 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे की क्लोजिंग या इन तीनों लाइंस के नीचे की क्लोजिंग विच एवर इज अर्लियर, 5500 पर बाई है। उसके बाद 9930, ये 9930 के हाईज लगे, इस कैंडल पर एग्जिट आया है, और एग्जिट आया है आपका 8740 पर। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट आया है 8740 पर, बेहतरीन एकदम ट्रेड, फर्स्ट क्लास ट्रेड। दोस्तों ये है IIFL फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, एक नेक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है 146 के अराउंड, 146 ब्रेकआउट है, दिस इज द स्टॉप लॉस, इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, और 146 के बाद एक बड़ी रैली, यहाँ पर हाईज लगे हैं 337 के, और एग्जिट आया है इस कैंडल पर 283 पर। अगेन अ गुड प्रॉफिट, वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो हम देख रहे हैं ये जो सिस्टम है इस पर छोटे गेन, बड़े गेन, लॉसेस छोटे हैं, और मल्टी बैगर्स भी मिल रहे हैं, 2x भी मिल रहे हैं, 2x की भी संख्या बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये है ग्रेफाइट इंडिया का टेक्निकल चार्ट, यहां पर हम देखें तो सारी मूविंग एवरेजेस मर्ज रहे हैं। एक नेकलाइन ड्रॉ करी हमने, ब्रेकआउट हुआ यहाँ 209 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, विच एवर इज अर्लियर, 209 की एंट्री है, और यहाँ पे हाईज लगे हैं 335 के हाईज लगे, और यहाँ पर एग्जिट आया है 304 पर। अगेन अ डिसेंट, मतलब ये डिसेंट क्या, अच्छा भला प्रॉफिट है मोमेंटम के साथ। तो फ्रेंड्स ये है मैग्मा फिनकॉर्प का चार्ट, जिसमें रिसेंटली अभी पूना वाला जी, सीरम इंस्टीट्यूट वाले, कोविशील्ड वाले, उन्होंने स्टेक उठाया था। तो बड़ा यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेजेस मर्ज रहे हैं, हमने एक नेकलाइन ड्रॉ करी तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट मिला हमें, 53 की एंट्री, ये स्टॉप लॉस या तीनों के नीचे की क्लोजिंग, और 53 के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली, रैली में 140 तक स्टॉक गया, 140 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको एग्जिट मिला है 114 के अराउंड एग्जिट आया है। तो बड़ा क्लियर, 53 पर एंट्री, 114 पर एग्जिट, और हाई लगा इन बिटवीन 140 का। दोस्तों ये है शिमारू का चार्ट, शिमारू का चार्ट अगर आप ध्यान दें, मतलब कि जो भी बच्चे mid 80s में, late 80s में स्कूल से पास हुए हैं तो VCR का जमाना देखा होगा, 90s में तो वीडियो कैसेट्स आते थे इनके, शिमारू के। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम देखें खरीदारी की राय नहीं है, ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, यहाँ मूविंग एवरेजेस मर्ज रहे हैं, यहाँ मूविंग एवरेजेस मर्ज रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ब्रेकआउट हो गया है दोस्तों, 89 रुपीज, 88-89 रुपीज के अराउंड चल रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, दिस इज द स्टॉप लॉस लेवल, इसके नीचे की क्लोजिंग या तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग, तो एग्जिट है, और यहां पर एक बाय सिग्नल बना है। तो ये दोस्तों था मेरा लास्ट एग्जाम्पल, ये था दोस्तों मेरा लास्ट एग्जाम्पल, और मैंने देखिए काफी केस स्टडीज कवर करी हैं, अच्छे बुरे सब दिखाए हैं, और आपने देखा होगा कि यहाँ लॉसेस शॉर्ट हैं, लॉसेस छोटे हैं,
प्रॉफिट कई बार बड़े हैं, कई बार प्रॉफिट छोटे हैं आते हैं, प्रॉफिट इरोड होते हैं, बट 2x के कैंडिडेट्स भी हमने बहुत देखे हैं। अगर हम ओवर एक साल का पीरियड लेके चलें और एक साल का पीरियड ले रहे हैं, अगर मार्केट में रन है तो मल्टीबैगर भी मिल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पसंद आई होंगी। बेस्ट ऑफ माई स्टडीज आपके साथ इसमें शेयर करी है। और एक चीज बताऊंगा, देखिए जो मैं करता हूँ वही मैं बोलता हूँ और वही मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप आगे भी पाएंगे कि ये जो मैंने आपके साथ शेयर करा है सिस्टम, ये काम करता है मार्केट के अंदर। बट कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं है, चीजें फेल भी होती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल्स आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया काफी एग्जाम्पल्स, और कई लोग एग्जाम्पल्स देख के कईयों को बोरियत भी होती है, बट इसमें बोरियत की बात नहीं है। ये सब वो ट्रेड्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे थे, कई चीजें पब्लिक डोमेन में है जो हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करी हुई है, तो दोस्तों बोरियत की बात नहीं है। देखिए एक चीज बड़े अच्छे से समझें कि हम जो भी आदमी शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहता है वो उम्र के उस पड़ाव में है कि जहां शरीर जो है वो एक ही फ्यूल से चलता है और फ्यूल है पैसा, तो पैसे के लिए काम करना पड़ता है। तो आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी दोस्तों मैंने सिखाई। पहले मैं आता हूं एक चीज पर बताता हूं, कई लोगों के प्रश्न होंगे मन में कि मैं स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूं, जबकि दो ऑप्शंस हैं, एक नीचे का स्टॉप लॉस है और एक है जब तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए तब इसमें से एग्जिट करें। और अधिकतर केसेस में आप देखेंगे स्टॉप लॉस से पहले हमें एग्जिट मिलता है, तो व्हाई स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्यों आ रहा है? तो दोस्तों देखिए, जब हम एंट्री करते हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तब फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हमें उस समय मालूम होना चाहिए कि अगर मार्केट नेक्स्ट डे ही रिवर्स हो जाए तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। देखिए हम जो मार्केट के अंदर ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पर देखिए थ्योरिटिकली नहीं चल रहे हैं हम कि हर ट्रेड में 1 लाख रुपीज का एक्सपोजर लेंगे, 2 लाख रुपीज का एक्सपोजर लेंगे, 3 लाख का लेंगे। एक्सपोजर होता है रिस्क का। देखिए किसी के पास भी कैपिटल की कमी नहीं होती है, कमी होती है रिस्क कैपिटल की। तो मैक्सिमम लॉस हमारा डिफाइंड होता है और इसलिए स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहे हैं। स्टॉप लॉस के साथ हम मैक्सिमम लॉस एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एंट्री हम डिफाइन कर पाते हैं। तो जब मैक्सिमम लॉस हमें मालूम है तो उस अकॉर्डिंगली हम एक्सपोजर ले पाते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी है, चाहे हमारी एग्जिट स्टॉप लॉस से पहले हो रही है, बट एक्सपोजर जो है मैक्सिमम रिस्क जो हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड पर वो डिफाइन होता है स्टॉप लॉस से। तो इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस बड़ा जरूरी है। और आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, जो स्ट्रेटजी है वो क्लियरली डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है। जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम लोगों को, कई लोगों को एक छलावा लगता है और कई लोग इसको कंपेयर करते हैं सास बहू और साजिश से, पति पत्नी और वो से। देखिए सास बहू और साजिश में पेन है, पति पत्नी और वो में पेन है, बट जो स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है, दिखाई है, शेयर करी है, उसमें पेन नहीं है। उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो एक चीज बड़ी क्लियर है, लॉसेस छोटे हैं, प्रॉफिट बड़े हैं, कई केसेस में प्रॉफिट भी छोटे हैं, बट हमने देखा 2x वाले स्टॉक्स बड़े हैं और हमने ये भी देखा मल्टीबैगर स्टॉक्स भी दोस्तों मिल रहे हैं। और एक मिथ्या भी दूर हुई कि मोमेंटम लार्ज कैप के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी वेल डिफाइंड है, एक चीज बड़ी क्लियर है। देखिए कई लोग जो होते हैं नेगेटिव लोग वो रिग्रेट करेंगे कि टॉप से एग्जिट में एक मूव मिस हो गया, बट मैं कहता हूं आप ये देखें कि एंट्री से एग्जिट में कितना बड़ा मूव मिला है। तो एक चीज समझे, नोबडी कैन सेल एट टॉप, नोबडी कैन बाय एट बॉटम, ये एक बड़ा क्लियर चीज है। जैसा मैंने बोला था कि आप लोगों को, कई लोगों को स्टॉप लॉस को लेके सवाल होंगे, दूसरे कई लोगों को सवाल होंगे कि ये मूविंग एवरेजेस यही क्यों यूज कर रहे हैं, 13 डेज स्लो बाय स्मूदन बाय, 8 डेज, 8 डेज स्मूदन बाय, 5 डेज, 5 डेज स्मूदन बाय, 3 डेज। तो दोस्तों एक चीज बोलूंगा, जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, मैं MBA करके आया था, तो मुझे मतलब कि सिप्ला ने जॉब के लिए मना करा, पेनिशिया बायोटेक जैसी छोटी कंपनी ने भी जॉब नहीं दी, जबकि मैं बी फार्म के साथ MBA था और एक पैसा कमाने की चाहत थी और मार्केट ही मुझे एक ऐसा विकल्प दिखा था जहां पे कम कैपिटल पे काम हो सकता है। तो काफी चीजें मैंने ढूंढी और ये स्ट्रेटेजी उस समय से मेरे लिए काम कर रही है और पहली बार ये स्ट्रेटेजी मैंने पब्लिक डोमेन में एक डिस्क्लोज करी है। आप पूछेंगे वाय, देखिए मैंने बैक टेस्ट करा, मेरे लिए काम कर रही है, आप भी इसको टेस्ट करें, आपके लिए काम करें तो आप भी काम करें। बट इस सवाल का जवाब ना पूछे, देखिए सबके अपने अपने फॉर्मूला होते थे, मनमोहन देसाई जी मूवी बनाते थे उनका अपना फॉर्मूला था, डेविड धवन जी का अपना फॉर्मूला, करण जौहर का अपना फॉर्मूला, अजय देवगन का अपना फॉर्मूला। तो दोस्तों सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं और क्यों ना पूछें। कभी आपने सलमान खान से पूछा है कि वो शादी क्यों नहीं करते हैं?
तो देखिए जो चीज काम कर रही है वो कर रही है। देखिए आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ये मूविंग एवरेजेस क्यों। देखिए मैंने बैक टेस्टिंग करी, कहीं पढ़ा होगा, कुछ करा होगा, मेरे लिए काम कर रहा है और आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। आपने कभी पूछा है जब आप छोले भटूरे बाहर खाते हैं तो उन छोलों में सोडा डाला होता है जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक है। आप बाहर गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे लेते हैं तो पानी के अंदर टार्टरी होता है, एडिबल कलर्स होते हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, तो वहां क्यों क्यों। यहाँ तो देखिए मैंने बैक टेस्टिंग करी है, आप भी बैक टेस्टिंग करें। आपको अगर लगता है कि कुछ और मूविंग एवरेज आपके लिए काम कर रही है, यूनिवर्सली काम कर रही है, यानी कि एक स्टॉक पर यूनिवर्सली काम कर रही है, तो आप भी उसको यूज करें दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा सार, जहां पे मैंने आपको सिखाया, शेयर करा हाउ टू कैच मोमेंटम इन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, और साथ में हमें कॉम्बो में क्या मिला, हाउ टू कैच मोमेंटम इन लार्ज कैप स्टॉक्स। तो एक वेल डिफाइंड क्लियर स्ट्रेटेजी है एंट्री और एग्जिट की। जो लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं शायद उनके मापदंड पे मैं मेरी स्ट्रेटेजी खरी ना उतरे। तो दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी काम करेगी और हम और आप दोनों इसमें मुनाफा कमाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।